वेलकम टू स्टडी 24। दोस्तों, एक नोटिस वायरल हो रही है कि बिहार डीएलएड की जो होने वाली परीक्षा है वो स्थगित कर दी गई है फिलहाल। तो चलिए इसकी सच्चाई क्या है ये भी जानेंगे। और कोरोना का कहर तो वैसे भी सभी परीक्षाओं पे पड़ ही रहा है, तो उम्मीद तो की ही जा रही थी कि परीक्षा जो है वो कैंसिल स्थगित की जाएगी, लेकिन क्या ये सच में स्थगित कर दिया गया है, इसकी सच्चाई की जांच कर लेते हैं। क्या सच में 28 मार्च को होने वाली परीक्षा हुई स्थगित, इसकी नोटिस आई है, चलिए देखते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और आप लोगों को बताते हुए ये खुशी हो रही कि आप लोगों के लिए टेस्ट चलाई जा रही है, चलिए देखते हैं। कल आप लोगों के लिए बिहार डीएलएड का स्पेशल टेस्ट 6 चलाया गया था 100 क्वेश्चन का, और आज आपके लिए टेस्ट नंबर 7 था, स्पेशल टेस्ट 7 था, 100 क्वेश्चन इसमें भी थे। तो अगर आप लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है तो दे दीजिएगा, और आगे आपका कल भी टेस्ट आने वाला है, टेस्ट नंबर 8, ठीक है, इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे। समय आप लोगों को पता है 7:00 बजे, तो रेडी रहिएगा। चलिए फिलहाल देखते हैं परीक्षा स्थगित हुई है या नहीं। इस नोटिस को आप लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन चलिए फिर से देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, विज्ञप्ति संख्या PR 108 लिखा गया है 2020, और डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 से संबंधित आवश्यक सूचना। एदत द्वारा डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थी, अभिभावक, सभी जिला पदाधिकारी, सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं उक्त परीक्षा हेतु निर्धारित सभी केंद्र के केंद्राधीक्षक को सूचित किया जाता है कि दिनांक 28/3/2020 को आयोजित होने वाली डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 अपरिहार्य कारणवश अगले आदेश तक स्थगित की जाती है। उक्त परीक्षा की अगली तिथि बाद में प्रकाशित किया जाएगा। तो यहाँ पे कोरोना वायरस का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, तो देखिएगा आगे इसकी सत्यता कैसे जांच सकते हैं हम लोग। तो ये तो नोटिस जो है दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि वेबसाइट पे आया है कि नहीं आया है। तो ये हम आ गए हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पे, जो biharboardvivid.com है। तो यहाँ पे देखेंगे, ये पुराना वाला ही सब डाला गया है, नया में अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं आया है। अभी तक एडमिट कार्ड का लिंक भी नहीं हटाया गया है, तो हो सकता है आपका कल ये नोटिस अगर सच है तो ये नोटिस जो है कल आपको इस वेबसाइट पे आ जाएगी। फिलहाल तो अभी इसकी सत्यता के लिए कोई जांच नहीं की जा सकती है, क्योंकि वेबसाइट पे जो है अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं दिया गया है। तो इसकी सत्यता जो है कल तक आपको पता चल जाएगी। तो जब तक सच्चाई पता नहीं चल जाती है, अपनी तैयारी को बिल्कुल ढीला ना करें और तैयारी करते रहें। देखिए, परीक्षा होना ना होना इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, परीक्षा की तैयारी आप एकदम नहीं छोड़ना है। ढीली छोड़िएगा तो आपका जो तैयारी है वो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी और आपकी सफलता जो है वो ख़त्म होने की चांसेस ज़्यादा हैं। तो परीक्षा होनी है तो होगी, नहीं होनी है तो नहीं होगी, इसकी जानकारी जो भी जानकारी होगी वो ऑफिशियल वेबसाइट पे ज़रूर अपडेट की जाएगी। फिलहाल अभी यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो जो नोटिस दी गई है हम उसे सच नहीं मान सकते हैं जब तक हमारे वेबसाइट पे जो नहीं दिया गया है, और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर जब तक प्रकाशित नहीं की जा गई है तब तक हम उस नोटिस को सच नहीं मान सकते हैं। हालांकि जो नोटिस है वो आनी ही आनी है, नोटिस भी ठीक है अपने जगह पे, क्योंकि वो जो है केंद्राधीक्षक वगैरह को ये भेजा जाता है। हालांकि अभी तक वेबसाइट पर नहीं दिया गया है, वेबसाइट पे जैसे ही आएगी मैं आप लोगों को खबर कर दूंगा। और अभी चिंता ना करें, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा इसकी जानकारी एक दो दिन में क्लियर हो जाएगी। तो जैसे ही क्लियर होती है मैं आप लोगों के लिए वीडियो फिर से लेकर आऊँगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल के अपडेट्स के लिए। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, गुड नाइट।